तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि वाला जो एपिसोड है ये काफी इंटरेस्टिंग वाला एपिसोड है। बाकी दो एपिसोड से इसका हर पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, यानी बॉडी मास सीन यहाँ पर है और आखिर तक देखना तो बनता है और देखने के बाद कमेंट करना भी बनता है। तभी मैं बताना चाहता हूँ एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जब पर इधर मुकुट का सीन था और इधर वो सोकर उठा रहा, तभी अमेरिका से इधर वो बता रहा होता है आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इधर अमेरिका से फेल उसे ही देख रहा होता है घूरते हुए। तभी अमेरिका से इधर मुकुदो अपने मुंह को ढोने लगता है और इधर फेल उसको खोल ही रहा था। तभी अमेरिका से जब मुकुदो ने उसे नहीं देखा था तभी फेल उसके पास आ जाता है, जहाँ पर इधर मुकुदो बोलने लगता है फेल तुम मेरे इतने पास क्यों आ गए हो। तभी इधर फेल बताने लगता है उसे भूख लगी है और अभी तक मुकुदो ने खाना ही नहीं बनाया है। तभी अमेरिका से इधर मुकुदो का सीन था, जहाँ पर वो बोलने लगता है मैं तुम्हें खाना बना कर दूंगा लेकिन मुझे कुछ मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास थोड़े पैसों की कमी है। और इधर वो बताता है उसका जो मिशन था गेल का वो भी वो अब कंप्लीट करने वाला है। तभी हमें दिखाई दे नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर इधर मुकुदो और फेल आ चुके थे एक जगह पर जहाँ से बहुत सारे कुछ उस जगह का सारा कुछ इलाका ही हमें देखने को मिलता है। और तभी अमेरिका से इधर मुकुदो बताता है कि वो अब अपना मिशन कम्प्लीट करेगा लेकिन अब जो यानी फेल जो अब भूखा था वो भी वो यानी कि वो खाना बना देगा कुछ देर बाद ही, ऐसा वो बताता है वो अभी नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। और तभी अमेरिका से इधर फेल भूलता है तो वो शिकार करने के लिए चला जाएगा। तभी अमेरिका ये पास सुनकर इधर मुकुदो को सोच रहा था, जहाँ पर फेल बताता है इस जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो तुम्हें वो लोग चोट पहुँचा सकते हैं लेकिन उसके वजह से भी यानी वो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है फेल के पास। और इधर वो अपने पावर से उसके पास यानी कि मुकुदो के पास एक बैरियर बना देता है और इधर मुकुदो को बाइक के फेल इधर चला जाता है, जहाँ पर इधर मुकुदो भी अपने काम पर लग चुका था, पौधों को ढूंढ रहा था जहाँ पर उसके आगे नेम आ रहे थे जिसके वजह से वो बहुत ही आसानी से बहुत सारे पौधों को ढूंढ लेता है। फिर इधर वो फेल के लिए खाना बनाने में लग जाता है जहाँ पर उसके पास मीट नहीं था और इधर ग्रोसरी शॉप से ही कुछ खाने ऑर्डर कर देता है, जहाँ पर वो कम कीमत पे ही मीट भी ऑर्डर कर देता है। और इधर वो कुछ बना रहा था तभी अमेरिका से कुछ आवाज आती है और इधर मुकुदो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर इधर फेल ने एक रोबोट को मारकर ले आया था। तभी अमेरिका से इधर फेल बताता है कि उसने बहुत सारे और कुछ मॉन्स्टर को मारे हैं जो कि उसने जंगल में ही रखकर आया है। तभी अमेरिका से इधर वो देखता है कि मुकुदो क्या बना रहा है और इधर मुकुदो पास्ता बना रहा था और तभी अमेरिका से इधर वो नूडल्स भी बना रहा था। तभी इधर उसका नूडल्स रेडी हो जाता है, फिर इधर वो सोचता है कुछ कमी है और इधर वो चीज का पाउडर ऑर्डर कर देता है। तभी अमेरिका से इधर वो खाना बनाकर फेल को वो सर्व करता है, चूंकि इधर फेल वो पहले सूंघने लगता है और वो बोल रहा होता है ये कैसा खाना है, फिर तभी वो खा लेता है जहाँ पर उसे भी ये खाना खाकर बहुत ही पसंद आया था। तभी अमेरिका से इधर मुकुदो उसे और चीज देता है यानी चीज पाउडर उसके खाने में देता है, जहाँ पर वो और भी टेस्टी बन चुका था। और ये इधर देख कर फेल बता रहा होता है ये खाना बहुत ही लाजवाब है लेकिन इसमें मीट थोड़ा कम है तब भी बहुत ही टेस्टी है। और इधर उसने अपने मुंह पर सारे ओर ही खाना लगा लिया था और इधर मुकुदो ये बात बताता है। तभी अमेरिका से इधर नेक्स्ट वाले सीन पर, जहाँ पर इधर मुकुदो आ चुका था एक जगह पर यानी जंगल पर, जहाँ पर इधर फेल ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा था और इतने ही मॉन्स्टर को उसने मारा था ये देख कर ही यानी कि जो जितने मॉन्स्टर उसने मारे थे ये देख कर ही इधर मुकुदो बहुत ही डर चुका था क्योंकि वो जगह सही से कम पड़ जाएगी इतने सारे मॉन्स्टर के लिए। तभी अमेरिका से लास्ट में एक बहुत सा गंदा सा एक मॉन्स्टर था जो कि बॉडी वो देख कर सोच रहा था इसे भी क्या खाया जा सकता है। तभी अमेरिका से फेल बताता है ये मॉन्स्टर बहुत ही टेस्ट दायक होता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है ऐसा वो बताता है। फिर इधर मुकुदो अपने जो स्टोरेज था उसमें सारा कुछ मॉन्स्टर को डाल लेता है और इधर वो लोग घर लौटने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर इधर फेल बताता है कि मुकुदो बहुत ही धीरे जाता है इस वजह से वो उसके ऊपर आ जाए जहाँ पर वो उसे फास्ट में ले जाएगा। तभी हमें दिखा जाए इधर मुकुदो भी उठ जाता है और इधर फेल दौड़ रहा था और इधर पहले तो इधर मुकुदो को अच्छा लग रहा था लेकिन बाद में उसकी भी हवा टाइट हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था। फिर वो लोग आ चुके थे सिटी पर जहाँ पर इधर मुकुदो का हालत टाइट हुआ था, जहाँ पर वो गिर रहा था और वो बताता है तुम इतनी तेजी से भागते हो मैं तो मरने वाला था, अगर मैं बीच रास्ते में गिर जाता तो मेरा क्या होता। तभी अमेरिका से ऐसा वो बताता है फेल को, जहाँ पर इधर फेल बता रहा होता है ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम हुई। तभी अमेरिका से इधर मुकुदो बताता है अगर मैं वहाँ पर ही गायब हो जाता तो तुम्हें कौन खाना खिलाता। और ये बात सुनकर इधर फेल भी सोच में पड़ चुका था। तभी अमेरिका से मुकुदो गिल पर आ चुका था जहाँ पर वो अपना मिशन के लिए यानी मिशन कंप्लीट के लिए वो सारा कुछ जो पौधा उसने कलेक्ट किया था वो एक उस होस्ट को ही दे देता है, जो कि वो लड़की बताती है ये बहुत सारे कुछ
तुमने फ्लावर ले आया है जो कि तुमने बहुत अच्छा मिस्टर कंप्लीट किया है। ये एक न्यू लुक जो इनके बंदे के लिए बहुत ही काफी होता है। तभी हमें दिखा इधर वो कुछ 10 सिल्वर कॉइन्स और कुछ ब्रॉन्ज के कॉइन उसे दे देता है। तभी हमें दिखा इधर मुकुट पूछता है कि वो मॉन्स्टर भी क्या बेच सकता है यहाँ पर। और मॉन्स्टर की बात सुनकर इधर वो बोलने लगती है, यानी वो होस्ट बोलने लगती है मॉन्स्टर कैसे। तभी हमें दिखा इधर मुकुट बताता है कि उसने ये नहीं माना है कि उसका फ्यूनर फैन नहीं। और इधर वो दिखा देता है फैल की ओर, जहाँ पर इधर ये देख कर वो होस्ट को शर्माने लगी थी। सच है वो कुत्तों से पसंद करती है। और वो दिखा देती है एक बंदी को जो कि मॉन्स्टर खरीदता है। तभी हमें दिखा वो बंदा बोलने लगता है, यानी कि एक बंदी के और उसका सीन था जब वो बंदा बोल रहा होता है क्या मॉन्स्टर है तुम्हारे पास। जहाँ पर इधर हमारा मुकुट निकाल देता है उस ऑर्क को। और इधर वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था और ये देखकर वो आदमी बोलने लगता है कि ये इतना बड़ा मॉन्स्टर। और इधर हमें निकाल से इधर वो बोल रहा होता है, यानी मुकुट बताता है कि उसके पास और भी मॉन्स्टर है। तभी हमें वो आदमी बताने लगता है इस जगह पर नहीं, क्योंकि ये जगह बहुत ही छोटी है, तुम एक और जगह पर आओ। तभी हमें इधर वो लोग उसके गैरेज में चले जाते हैं जहाँ पर वो जगह तो खाली था, लेकिन इधर मुकुट ने जो जानवर वहाँ पर ले आया था वो बहुत ही बड़े थे। और इधर ये देखकर वो आदमी भी हैरान था। और इधर उसे पता चल जाता है कि जो रूमर चल रही थी एक बंदी के ऊपर जिसके पास एक फेफनेर है या कुछ ऐसा ही कुछ लेजेंड बीस्ट है, उसके बारे में उसे पता चल जाता है कि यही वो लड़का है। तभी अमेरिका से मुकुट बताता है कि वो ये तो बेचेगा, लेकिन उसका कुछ मीट उसे चाहिए क्योंकि उसने अपने लेजेंड बीस्ट के लिए ये मीट का तलाश किया था। तभी मेरे वो आदमी बताता है तो कल तुम आ जाना, जहाँ पर मैं तुम्हारे इस मीट के वजह से तुम्हें पैसे भी दूंगा और वो जो कुछ तुम्हें मीट चाहिए वो भी दे दूंगा। तभी मेरे से इधर मुकुट बताता है आज के लिए भी मेरे पास मीट नहीं है। और तभी मेरे से वो आदमी बोलने लगता है तो ठीक है तुम किसका मीट लेना पसंद करोगे और का मीट अच्छा होता है। और इधर ये मीट देखकर मुकुट सोच रहा था ये मीट मैं कैसे खाऊं। और इधर हमारा फिर भी बताता है कि मीट बहुत ही टेस्टी होता है। फिर नेक्स्ट दिन पर इधर मुकुट वो मीट लेकर आ चुका था अपने जगह पर, जहाँ पर वो कुछ अंडों को लेकर वहाँ पर उस मीट के छोटे छोटे पीसेस को फ्राई करने लगता है। और मुझे बताना अंडा वेज है या फिर नॉन वेज, क्योंकि कोई कोई लोग बता रहे हैं ये वेज है, कोई कोई बोलता है ये नॉन वेज भी है, मुझे भी इतने अच्छे से नहीं पता। फिर तभी हमें दिखा जाए जब मुकुट ने एक अच्छा सा रेसिपी बना लिया था। और इधर वो फेल को वो खाने के लिए देता है। जब फेल ये खाकर बहुत ही तेज उसे आता है और वो बताता है ये रेड बॉल से बहुत ही टेस्टी है। और इधर मुकुट की हालत भी टाइट हो चुकी थी क्योंकि वो एक मॉन्स्टर का मीट खाने वाला था जो कि बॉडी दिखने में खराब लग रहा था। लेकिन इधर वो सोचता है वो दिखने में खराब हो सकता है लेकिन उसका मीट कैसा टेस्ट करेगा। तभी अमेरिका से वो खा लेता है जब उसे वो बॉडी टेस्टी लगता है। जावर वो सब लोगों को बताता है कि कोई खाना देखकर तुम नहीं बता सकते कि वो कितना टेस्टी है या फिर खराब है। और इधर हमें दिखा से नेक्स्ट दिन का सीन जहाँ पर मुकुट आ चुका था उस जगह पर जावर वो अपने मॉन्स्टर को बेचने के लिए आया था। और इधर हमें दिखा जाए वो आदमी उसे अंदर बुलाता है, जहाँ पर इधर वो आदमी ने बहुत सारे मीट के पीसेस को काट कर रखा था मुकुटों के लिए जो कि बहुत ही काफी था मुकुटों के लिए कुछ दिनों के लिए। और इधर वो बोलने लगता है मेरे जो पैसे थे। तभी हमें दिखा जाए इधर वो आदमी उसके हाथों में बहुत सारे कुछ कॉइन दे देता है एक पोटली में। और इधर उसमें टोटल 202 कॉइन्स थे, यानी गोल्ड के 202 कॉइन्स थे जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन इधर वो आदमी बताता है जो उसने मॉन्स्टर लाया था वो बहुत ही कीमती मॉन्स्टर थे, उसका बहुत ही दाम था। और उसके जो कुछ यानी कि जो उसके हॉर्न्स थे स्किन थे वो ही बहुत ही महंगे हैं। और फिर तभी वो दिखाता है और का हार्ट, यानी उसके कुछ हार्ट ही है उसके कुछ बॉल्स थे तो जो कि तुम्हें लोगों को मैं बता नहीं सकता किसके बॉल्स थे, वो लड़कों लोगों को तो पता चल ही चुका होगा। और जब मुकुट भी अपने आप का भी पकड़ने लगता है बॉल का नाम सुनकर, तभी हमें दिखाता है इधर वो आदमी दिखाता है एक डिमोनिक जैम जो कि एक मॉन्स्टर ही निकलता है। तभी वो मुकुट के साथ ऐसे ही बातें कर रहा था कि तुम्हारा जो ये फैमिली है ये लेजेंड बीस्ट हैवी या फिर एक ग्रेट उल्फ है। और जब मुकुट भी सोच में पड़ चुका था तभी हमें दिखाता है इधर वो आदमी बोलने लगता है मेरे एडवेंचर की एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूँ ये ग्रेट उल्फ नहीं है ये एक लेजेंडरी बीस्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है मुकुटो और फिर एक सारे जा रहे होते एक जगह पर, जहाँ पर इधर मुकुटो बीच में रास्ते में सोच रहा था कि मैं सारे लोगों को बता दूँ कि ये ग्रेट उल्फ है जिससे कोई भी मुझे ऐसे ना घूरे। और इधर वो लोग सोच लेते हैं कि वो लोग जाने वाले एक और कंट्री पे। तभी वो लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं। तभी हमें दिखा जाए इधर मुकुट एक जगह पर अपना कैंप लगा लेता है जहाँ पर वो कुछ खाने बनाने की सोच में पड़ा था। तभी वो अपने स्टोरेज से खाने निकालने ही वाला था लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो यानी कि
मुगो तो थैंक्स कहता है फेल का, क्योंकि उसके वजह से उसने बहुत सारे गोल्ड आज पैसे कमाए थे। 202 गोल्ड कॉइन बहुत ही महंगे होते हैं इस दुनिया में भी, और अभी मेरे से मुगो ने बताने लगता है। तो आज के दिन हम लोग रेस्टोरेंट से कुछ खाने ऑर्डर करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, मेरे दुनिया से वो खाना होगा ऐसा वो बताता है। फिर तभी इधर हमें दिखाया जाता है फेल मुगो के पास आ चुका था, जहाँ पर इधर वो देखने लगता है उस खाने को, और इधर उसके मुंह से ही कुछ लाल टपकने लगी थी। लेकिन इधर हमारा मुगुरो सोच रहा था कि रेन कहाँ से गिरने लगा, यानी कि बारिश कहाँ से हो रही है, और जब वो ऊपर देखने लगा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। और जब वो फैल के और देखता है जब उसके मुंह से लाल के एक नदी बह चुकी थी, तभी अमेरिका से इधर वो बहुत से कुछ खाने को ऑर्डर कर देता है। और इधर ये खाना पाकर फैल बहुत ही खुश हो जाता है, और वो बोल रहा होता है इस खाना जो उसने आज दिया है उसे वो बहुत ही टेस्टी है, ये मीट नॉर्मल मीट की तरह नहीं लग रहा, क्रिस्पी है, अंदर की ओर सॉफ्ट भी है, टेस्ट भी है, ऐसा वो बता रहा था। और टीवी मेरे से मुकुदो कुछ चिकन को फ्राई कर रहा था जो कि एक वो स्ट्यू बना रहा था, और इधर वो इधर फेल को भी कुछ खाना दे देता है। लेकिन इधर फेल के लिए वो मीट बॉडी कम था, और वो बोल रहा होता है कि मीट बॉडी कम है, जब इधर मुकुदो बताता है ये एक पीस का ही कीमत 2 सिल्वर कॉइन है, लेकिन तब भी मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ। और टीवी मेरे से इधर वो फिर से फ्राई कर रहा होता है, और इधर हमारा फैल मजे लेकर वो खाना खा रहा होता है। फिर मुकुट भी अपना खाना लेकर बैठ जा रहा है क्योंकि उसने भी कुछ खाना नहीं खाया था। फिर खाना खाते खाते उन लोग का रात हो जाता है, जब एकदम मुकुट सोच रहा था कि दुनिया बहुत ही अच्छी है नॉर्मल वर्ल्ड की तरह, यानी जिस वर्ल्ड से आया है उससे भी अच्छी है, और इधर वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है इस दुनिया में। और रात का सीन था, और टीवी में लिखा जाता है मुकुट तो खाना खाकर एक जगह बैठा हुआ था, लेकिन इधर फैल कुछ देख रहा था अपने हाथों को, जावर वो बोल रहा होता है उसने जो आज खाना खाया है जिसकी वजह से उसका पावर कुछ उसे बड़ा हुआ लग रहा है, जिसकी वजह से वो आसानी से एक एंशिएंट ड्रैगन को मार सकता है, ऐसा वो बताता है मुकुटो को। और इधर ये बात सुनकर मुकुटो भी हैरान था, और वो बोलने लगता है क्या तू इतनी ताकतवर बन चुके हो, क्या इतने से खाने से तुम्हारा इतना ताकत बढ़ चुका है। और तभी अमेरिका से इधर वो उसके स्टेज देख रहा था जो कि भगवान कसम बहुत ही बढ़ चुका था, 5 से 5 हज़ार उसके स्टेज में बढ़ चुके थे। ये देखकर मुकुटो भी हैरान था क्योंकि उसने थोड़ा सा ही खाना दिया था, जो कि इधर मुकुटो को सोच में ही नहीं पड़ रहा था कि कैसे ये खाना फैल को इतनी ताकत दे सकता है। तभी अमेरिका से फैल चमकने लगा था, और वो बताता है कि वो एंशिएंट ड्रैगन को मारने के लिए जाएगा और मॉन्स्टर को भी मार कर लाएगा जिससे उन्हें पैसे और मिले, ऐसा वो बताता है मुकुटो को। और वो बोल रहा होता है तुम्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर एक बैरियर बना दूंगा, क्योंकि इस बार जो बैरियर उससे बनाया था वो बहुत ही बना था पहले वाले से, क्योंकि उसका ताकत भी बढ़ चुका था। और इधर रात का सीन था जहाँ पर मुकुटो अपना बिस्तर रेडी करने वाला था, और इधर फैल तो नहीं था इसी वजह से वो आराम से सो रहा था, और वो बताता है कि फैल का जो बैरियर था उसे महसूस हो रहा है। और इधर फैल का सीन आ चुका था क्योंकि मुकुटो सो रहा था, और इधर फैल का सीन था जहाँ पर इधर वो भागता हुआ उस एंशिएंट ड्रैगन को शायद से वो ढूंढ रहा था या फिर कुछ मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था, जहाँ पर उसके रास्ते के बीच में रॉकबर्ट आ चुका था। और इधर रॉकबर्ट को देखकर तुम मेरा ओपोनेंट नहीं हो, तुम बीच में आए तो तुम मरने वाले हो, जहाँ पर इधर वो रॉकबर्ट को मार देता है। तभी मेरे ख्याल से इधर वो ऊपर की ओर नजर देता है जहाँ पर एक बड़ा सा टियर था, और उसे देखकर इधर हमारा फैल एक थंडसा उसे दे देता है जिसकी वजह से इधर वो डियर भी वापस मारना चाहता है। तभी इधर हमारा फैल ऊपर आकर देखता है उस चोटी पर जहाँ पर वो एक मॉन्स्टर को देखता है, जहाँ पर उनका वहाँ पर एक चून था यानी ग्रुप की तरह था, और इधर तभी वो यानी फैल ये सब कुछ देखकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर ही वहाँ मर जाते हैं। तभी वो एक आवाज़ सुनता है जहाँ पर उन लोगों का जो एक जनरल था यानी उस मॉन्स्टर से भी जो बड़ा था उन लोगों में से वो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर इधर वो अटैक करने लगता है फैल के ऊपर जो कि बहुत ही यानी वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ताकतवर था। लेकिन इधर फैन दौड़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, और नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाया जाए मुकुटो इधर शॉक्ड हुआ था सुबह उठकर ही, क्योंकि उसके आगे बहुत सारे कुछ मॉन्स्टर थे। और इधर फैल बताना होता है कि उसने मॉन्स्टर का रात को ही शिकार कर दिया था जिसकी वजह से उसे टेस्टी मीट और मिल पाए, और इधर मुकुटो को भी पैसे मिल पाए। तो जैसे कि तुम लोगों को पता होगा इस एपिसोड में तुम लोगों को देखने को मिला है फैल की इन सारे ज्ञान के अडोपोन से खानों से उसकी पावर लेवल बहुत ही बढ़ जाती है, शायद से इधर फ्यूचर में हमारा फैल बहुत ही ताकतवर बन सकता है, वो सारे मॉन्स्टर को मार सकता है, जो कि तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड पे पता चलेगा। और नेक्स्ट एपिसोड का रिकैप आता है जहाँ पर इधर मुकुटो
अपने हाथ से आग फेंक रहा होता है। शायद से उसके पास भी पावर आ सकती है जो कि तुम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तुम लोग कितने एक्साइटेड हो इस एपिसोड के लिए तो तुम लोग बोलना कमेंट में। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।